हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग जो HTML5 के ड्रैग एंड ड्रॉप APIs के बारे में सीखेंगे, और यहाँ पर हम लोग पार्सल यूज़ करेंगे जो कि एक मॉड्यूल बंडलर है। और इससे पहले हम लोग ने जो व्हाट इज़ NPM, व्हाट इज़ बैबल, व्हाट इज़ वेबपैक करके हम लोग ने 3 वीडियोज़ बनाए थे। अगर आपको मॉड्यूल बंडलर पता नहीं है तो आप जा करके देख सकते हैं। अगर आपको NPM, बैबल या वेबपैक, इन तीनों में से कोई भी कंसेप्ट अगर आपको पता नहीं है तो वीडियोज़ आप जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वेबपैक के ऊपर भी मैंने एक वीडियोस बनाई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। मॉड्यूल बर्नर एग्जैक्टली है क्या और क्यों मैं वेबपैक यहाँ पर के बजाय पार्सल यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर हम लोग HTML5 ड्रैग एंड ड्रॉप API के लिए जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वर्ड गैसिंग गेम यहाँ पर बनाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर ड्रैगेबल्स हैं, ड्रॉपेबल्स हैं, और आपको ईच इंडिविजुअल बॉक्स में यहाँ पर ऐड करना है और गैस करना है कि उसका सिक्वेंस क्या होगा। ठीक है, अगर आप प्रॉपर सीक्वेंस में हैं तो आप देख सकते हैं कि U1 करके अलर्ट आएगा जिससे वो प्रॉपर सीक्वेंस बन गया। वर्ड गेसिंग गेम भी हम लोग यहाँ पर बनाएंगे जिससे हम लोग HTML5 ड्रैग एंड ड्रॉप APIs के बारे में सीखेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एम्प्टी फोल्डर है जो आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने कुछ भी चीज़ यहाँ पर नहीं है, तो सिंपली मैं npm init dash y रन करता हूँ जिससे एक एम्प्टी पैकेज जेसन फाइल बन जाएगा, और इसको मैं VS कोड में इधर ओपन करता हूँ। ओके, राइट। और यहाँ पर हम लोग क्योंकि पार्सल जो है ग्लोबली इंस्टॉल्ड है तो इसको मैं कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपको पता नहीं है तो मैंने पार्सल के ऊपर पूरा वीडियो एक बनाया है जो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो जा कर के देख लें। ठीक, मैं पार्सल सर्व और index.html यहाँ पर इस तरीके से लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं स्टार्ट। ओके, और यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ जिसमें index.html यहाँ पर होगा। ओके, और यहाँ पर एक स्टार्टर किट हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ओके, और यहाँ पर मैं एक H1 टैग यहाँ बनाता हूँ जिसमें होगा हेलो वर्ल्ड। ओके, और यहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट बनी हुई है npm रन स्टार्ट, ये स्क्रिप्ट मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं रन करूँगा npm रन स्टार्ट। ओके, जिससे वो एक पार्सल एक डेवलपमेंट सर्वर शुरू करेगा और वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा। आप देख सकते हैं कि वो इधर ऐड होगा। ओके, ग्रेट। और इसके अलावा अगर लेट सपोज मैं कोई चीज़ यहाँ पर चेंज करूँ, जैसे हेलो वर्ल्ड 1 इस तरीके से करूँ। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं इजीली चेंजेस हम लोग यहाँ पर कर पाएंगे। ओके, जो चेंजेस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ग्रेट। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको ड्रैग एंड ड्रॉप के अलग अलग फंडामेंटल्स हम लोग पहले कंसेप्ट सीखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग गेम बनाएंगे जो हम लोग ने देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ड्रैग कंटेनर करके मैं यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ, और उसके अंदर 3 अलग अलग डिव्स, डिव की जगह मैं इसको सेक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ कि जस्ट खाली हम लोग उसका डिफरेंस देख सकें। और यहाँ पर मैं एक और सेक्शन यहाँ बनाता हूँ जिसका मैं यहाँ पर आईडी दे देता हूँ कि ड्रॉप कंटेनर। ओके, और यहाँ पर भी मैं एक अलग डिव यहाँ पर क्रिएट करूँगा, और यहाँ पर हम लोग उसको मैं स्टाइल करता हूँ। ओके, और यहाँ पर अलग अलग ये जो डिव्स है मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर एक ड्रैग कंटेनर होगा और यहाँ पर एक ड्रॉप कंटेनर होगा। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स दे देता हूँ, इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 130px। ओके, और हाइट भी मैं 130px दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड इसको दे देता हूँ #CCC। ओके, और यही सेम चीज़ मैं ड्रॉप कंटेनर को भी दे सकता हूँ, या फिर सिंपली इसको इस तरीके से दे देता हूँ। ठीक है, ताकि दोनों को वो अप्लाई हो जाए। ओके, यहाँ पर ब्राउज़र में आते हैं, रिफ्रेश करें, आप देख सकते हैं दोनों ही यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। तो मैं अब यहाँ पर ड्रॉप, ओके, ड्रॉप यहाँ पर कंटेनर यहाँ पर मैं सेलेक्ट करके मार्जिन टॉप इसको मैं 5px दे देता हूँ, ताकि वो दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस हो सके। ओके, और दोनों अलग दिख सके, या फिर इसको थोड़ा इंक्रीज करके 15 कर देता हूँ। ग्रेट, अब यहाँ पर इससे ड्रैग करके हम लोगों को एक्सपीरियंस देना है कि यूज़र ड्रैग करके यहाँ पर इस पर ऐड कर सके। ओके, ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दो एक इमेज फोल्डर क्रिएट किया, उसमें मैंने दो इमेजेस यहाँ पर इंस्टॉल कर ली। तो आप कोई भी इमेज ले सकते हैं, या फिर आप इस URL पर अगर जाएंगे तो यहाँ पर pixum.com.photos पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको डमी इमेजेस मिल जाएंगे, तो अगर आप चाहें तो वो ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर सबसे पहले इमेजेस ऐड करने से पहले मैं आप देख सकते हैं कि ये जो ड्रॉप कंटेनर है मैंने उसको विद दे दिया, जबकि ये गलत है। मुझे ड्रॉप कंटेनर के अंदर जो ये डिव है उसको देना है। ठीक है, आप देख सकते हैं डायरेक्टली इसको ये अप्लाइड है, तो सिंपली यहाँ पर मैं डिव
तरीके से ऐड कर देता हूँ ताकि उसके अंदर जितने डिव्स हैं उनको ये सब CSS क्लासेस लगे, ना कि सिर्फ इस पूरे सेक्शन को. ओके, तो ये करेक्शन आप कर लें. उसके बाद में यहाँ पर मैं एक इमेज क्लास से बनाता हूँ, इमेज वन क्लास, जिसमें बैकग्राउंड में मैं URL में यहाँ पर ये जो इमेजेस है वो मैं ऐड कर देता हूँ, इमेजेस स्लैश इमेज वन वन डॉट jpeg. ओके, और ये सेम चीज़ मैं कॉपी करके यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर इमेज टू, यहाँ पर इमेज टू. ओके, यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं कि इमेज ऐड करने कर लिया मैंने, तो ये बैकग्राउंड जो यहाँ पर है मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, बिकॉज वरना फिर वो ओवरराइड हो जाएगा. ओके, यहाँ पर ब्राउज़र में आते हैं, रिफ्रेश होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है. ग्रेट, यहाँ पर ड्रॉप कंटेनर, उसके अंदर जो डिव है मैं उसको बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर पिक्सल वन पिक्स वन पी एक्स सॉलिड CCC, ताकि आप देख सकें कि वो थोड़ा सा हमें अभी देख सकते हैं कि बिकॉज उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, देख सकते हैं ड्रॉपेबल एरिया कौन सा आपको पता नहीं चल रहा है. तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, CSS इस तरीके से दे देता हूँ. ओके, और यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं कि आप पता चल रहा है कि किधर हमें ड्रॉप करना है. ओके, और अभी यहाँ पर इसको ड्रैगेबल बनाने के लिए मुझे इसको यहाँ पर ड्रैगेबल प्रॉपर्टीज को देना पड़ेगा. ओके, और यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं कि वो ड्रैगेबल जैसा भी वो हो रहा है. ओके, और यहाँ पर हम लोग अलग अलग इवेंट्स भी सेट कर सकते हैं जिससे ना ड्रैगेबल और ड्रॉपेबल पे अलग अलग आप डिटेक्ट कर पाएंगे. ओके, राइट. सो अभी ओके, सो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करता हूँ और उसका मैं नाम याद दूंगा index.js, और HTML फाइल में यहाँ पर एंड में मैं सोर्स स्क्रिप्ट में index.js इस तरीके से यहाँ पर ऐड करता हूँ. ओके, और यहाँ पर हम लोग जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं. तो अभी यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर const ड्रैग डिव इस तरीके से क्रिएट करता हूँ, होगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और उसमें मैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्रैग कंटेनर ID है, उसके अंदर जो डिव है उसे सेलेक्ट करना है. तो यहाँ पर हैश ड्रैग कंटेनर डिव, ओके, जिससे वो ड्रैग डिव सेलेक्ट हो जाएगा और उस पर अलग अलग तरह के इवेंट्स है जो आप यहाँ पर ऐड कर पाएंगे. ओके, ओके, आप यहाँ देख सकते हैं ये चंद इवेंट्स हैं, ड्रैग स्टार्ट, ड्रैग और ड्रैग एंड, ड्रैग एंटर, ड्रैग ओवर, ड्रैग लीफ और ड्रॉप. तो ये इवेंट जो है ड्रॉपेबल के लिए होती हैं और ये इवेंट जो है ड्रैगेबल के लिए होता है. ठीक है, तो इस पे हम लोग ये तीन इवेंट्स ऐड कर सकते हैं. तो हम लोग ड्रैग ऐड इवेंट लिस्टनर, और यहाँ पर इवेंट लिस्टनर में ऐड करेंगे ड्रैग स्टार्ट. ओके, और यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन दे देते हैं. ओके, और यहाँ पर फिलहाल मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ ताकि दिख सके कि वो ड्रैगिंग इस तरीके से लिख देता है. ठीक है, और यहाँ पर ब्राउज़र में आते हैं, कंसोल में यहाँ रिफ्रेश, और मैं इसको होवर करूँगा, आप देख सकते हैं ड्रैगिंग दिखाई दे रहा है. ग्राइट, सो अभी यहाँ पर इसको ड्रैगिंग जैसा एक्सपीरियंस देने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इस ड्रैग डिव को एक यहाँ पर मैं क्लास ऐड कर देता हूँ, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और यहाँ पर मैं ड्रैगिंग करके क्लास इधर ऐड करूँगा. ओके, जिससे जो है यहाँ पर थोड़ा सा इसका ओपेसिटी लोअर हो जाएगा, जिससे वो ड्रैग हो रहा है वैसा एक्सपीरियंस आएगा. अगर मल्टीपल या इमेजेस होंगे जो हम लोग आगे ऐड करेंगे तो पता नहीं चलेगा कौन ड्रैग हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इससे एक थोड़ा सा क्लास ऐड करेंगे जिससे वो नो ड्रैगिंग बिहेवियर उधर आ सके. और यहाँ पर मैं एक ड्रैगिंग इमेज ऐड करता हूँ जिसका ओपेसिटी होगा 0.2. ठीक है, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और मैं होवर कर, देख सकते हैं कि वो क्लास उसे लग गया और देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा वहाँ पर वो ड्रैग दिखाई दे रहा. ओके, ग्रेट, सो आप देख सकते हैं एक बार हम लोग उसे ऐड कर दिया तो यू नो ग्रे ही रह रहा है, पर हम लोगों को जब ड्रैगिंग नहीं होता है तो उसको रिमूव भी कर देना है. तो उसके लिए आप देख सकते हैं हम लोग अभी ड्रैग एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो यहाँ पर ड्रैग ड्रैग डिव डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, ऐड इवेंट लिस्टनर, और इससे हम लोग ड्रैग एंड इवेंट लिस्टनर यहाँ पर लिखेंगे, कॉल बैक फंक्शन इधर होगा. और यहाँ पर हम लोग सेम चीज़ करेंगे, ड्रैग डिव डॉट क्लास लिस्ट, यहाँ पर हम लोग ऐड की जगह रिमूव कर देंगे ताकि एक बार जो ड्रैग नहीं हो रहा है तो हम लोगों को वो ओपेसिटी जो है वापस वन कर देना. ओके, मैं इसे सेव करता हूँ, यहाँ पर आके रिफ्रेश, अभी मैं होवर करूँगा, आप देख सकते हैं कि वो क्लास उससे लग गया है और वो अब ओपेसिटी ज़ीरो हो गया. जैसे मैं यहाँ पर हटा, यहाँ पर उसको मैं छोड़ दूंगा, तो देख सकते हैं कि फिर से वो नॉर्मल हो जाएगा. ओके,
अभी हम लोगों को देखना है कि इस पे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। उसके लिए हम जैसे ड्रैग एंटर, ड्रैग ओवर, ड्रैग लीव और ड्रॉप, चार यहाँ पर इवेंट्स जो हम लोग यूज़ करेंगे। इसे भी मैं आप देख सकते हैं, ड्रॉप कंटेनर एक आईडी है, उसके अंदर एक डिव है तो वो सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर उसे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैं उसको वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, ड्रॉप डिव डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ पर हम लोग हैश, यहाँ पर ड्रॉप कंटेनर है, ओके इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर ड्रॉप कंटेनर डिव, ओके और ये ड्रॉप डिव पे यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे ड्रॉप डिव डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, और यहाँ पर हम लोग ड्रैग एंटर इवेंट को डिटेक्ट करेंगे। मैं कौन सा लॉग कर देता हूँ, ड्रैग एंटर, ओके यहाँ पर रिफ्रेश होगा, जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा आप देख सकते हैं ड्रैग एंटर यहाँ पर सी एस एस क्लासेस दिखाए थे, ग्रेट। तो अभी हम लोग ड्रैग एंटर यहाँ पर कंसोल लॉग हो रहा है, देखिए ग्रेट। तो अभी ये इवेंट हम लोग प्रॉपर यहाँ पर डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर जैसे ही वो ड्रैग एंटर हो रहा है तो मुझे एक इसको एक सी एस एस क्लासेस ऐड करनी ताकि पता चल सके अगर मल्टीपल है इधर तो कौन से ड्रैगेबल इवेंट्स को यहाँ पर हम लोगों को डिटेक्ट करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इधर इंडेक्स और एचटीएमएल में यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर एक और डिव इधर ऐड कर देता हूँ, ओके और अभी ये देख सकते हैं कि दो डिव है इधर, तो इस ओके तो ये ड्रॉप कंटेनर को मैं सेलेक्ट करके इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दे देता हूँ ताकि वो साइड बाय साइड डिट। अब देख सकते हैं कि दोनों के इस पर एंटर यहाँ पर होगा, पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ वो किस पे वो एंटर हो रहा है वो आपको पता नहीं चल रहा है कि इस पे एंटर हो रहा है ये एक डिव पर या इस पे एंटर हो रहा है ये एक डिव पर, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे वो एंटर हो रहा है हम लोग उस डिव को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर इवेंट ऑब्जेक्ट से, बिकॉज इवेंट ऑब्जेक्ट से हमें पता चलेगा कि वो इस पे हो रहा है या इस पे हो रहा है। जब इस पे हो रहा है तो इवेंट ऑब्जेक्ट ये होगा, अगर इस डिव पर हो रहा है तो इवेंट ऑब्जेक्ट ये डिव रहेगा, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, सिंपली यहाँ पर इवेंट डॉट टारगेट से हमें वो इंडिविजुअल डॉम एलिमेंट मिलता है जिसपे वो यहाँ पर क्लास लिश डॉट ऐड, ओके और यहाँ पर ड्रॉप ड्रॉप सेलेक्ट, इस तरीके से सी एस एस क्लास इधर ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पर इंडेक्स और एचटीएमएल में आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग ऑलरेडी ये सी एस एस क्लासेस है जो वहाँ पर उस ड्रॉप कंटेनर को लग रहा है, ताकि आप देख सकते हैं उसको यहाँ पर बॉर्डर ग्रे यहाँ पर आया है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर इसी को यहाँ पर डुप्लीकेट करना पड़ेगा, डिव के मुझे इधर एक ऐड करना पड़ेगा ड्रॉप सेलेक्ट, ओके और इसे सॉलिड यहाँ पर डैश्ड यहाँ पर हम लोग रेड इस तरीके से कलर इधर देखेंगे, ओके और यहाँ पर आने के बाद में मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूँगा आप यहाँ देख सकते हैं कि उसको सी एस एस क्लास इधर लग गया, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर वो दिखाई दे रहा है, ग्रेट, ओके पर आप देख सकते हैं कि वो फिर जैसे ही वहाँ पर मैं छोड़ दिया तो फिर वापस उधर ही रह रहा है बिकॉज हम लोग उसको रिमूव नहीं कर रहे। तो यहाँ पर मैं इधर एक और इवेंट लिस्टर मैं ऐड करूँगा, ओके और ये होगा ड्रैग लीव, ओके वहाँ पर जैसे हम लोग ये क्लास ऐड कर रहे थे वहाँ मैं रिमूव कर दूँगा, ठीक है और यहाँ मैं कंसोल लॉग यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ओके और यहाँ पर ब्राउज़र में आते हैं, जैसे मैं अंदर आप देख सकते हैं कि वो क्लास ऐसे लग गया, जैसे मैं रिमूव किया वो चले गया, पर आप देखेंगे कि जैसे मैं इधर करूँगा तो इधर नहीं होगा, इधर ही वो सिर्फ हो रहा है। अब उसका कारण ये है कि बिकॉज यहाँ पर हम लोग एक ही डिव सेलेक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल डिव सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि वहाँ पर दो है तो इससे क्या होता है जो पहला डिव है ना वही सेलेक्ट हो रहा है, दूसरा डिव सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इसको क्वेरी सेलेक्टर में ऑल कर देता हूँ ताकि सारे डिव यहाँ सेलेक्ट हो। अभी क्योंकि ये ड्रॉप डिव एक एरे होगा मतलब मल्टीपल होगा तो एक पे हम लोग यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर मुझे उसको मुझे फॉर उस लूप ओवर होना पड़ेगा। तो यहाँ पर और क्योंकि ये एक एरे लाइक होता है डॉम डिव है ना, एक एरे लाइक है, उस पर हम लोग लूप ओवर नहीं हो सकते जैसे हम लोग के नॉर्मल एरे पे हो पाते हैं, तो इसलिए मैं इसको एरे फ्रॉम यूज़ करके इसको मैं एरे लाइक से एरे कर दूंगा ताकि आप उस पर हम लोग फॉर ईच यूज़ कर पाएँ, ओके। जो एरे होता है बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पर डॉम डिव है उस पर फॉर ईच मेथड नहीं होता, हम लोग नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज वो एरे नहीं होता है, एरे लाइक होता है, ओके। सो अभी यहाँ पर हम लोग यूज़ कर पाएंगे, यहाँ पर ईच इंडिविजुअल डॉम डिव हम लोग को यहाँ पर मिलेगा, तो ओके सो यहाँ पर डॉम डिव्स इस तरीके से लिखते हैं और ये होगा डिव्स
और ईच इंडिविजुअल डॉम डिव हम लोग को यहाँ पर मिलेगा ड्रॉप डिव, और उस पर हम लोग इवेंट लिस्टर इधर ऐड करेंगे। ठीक है, तो अभी मल्टीपल डॉम इवेंट लिस्टर इस तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं। ओके, और अभी फुली चलना चाहिए। हम लोग यहाँ पर आके रिफ्रेश कर देता हूँ और मैं इससे होर करूँगा, आप देख सकते हैं क्लास जैसे लग गया। मैं इस पर होर करूँगा, आप देख सकते हैं दोनों पे भी अब वो हम लोग को इफेक्ट दिखाई दे रहा है। ग्रेट, अभी हम लोगों को यहाँ पर क्या देखना है कि हम लोग सक्सेसफुली इवेंट्स यहाँ पर ऐड कर पाए, राइट, ड्रैगिंग इवेंट्स भी और ड्रॉपिंग इवेंट्स भी। अभी हम लोगों को देखना है कि ये जब हम लोग ड्रैग करके मैं इस पर ऐड करूँ तो ये इमेज यहाँ से हट करके इधर आ जाना चाहिए, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर या तो इधर आप देख सकते हैं ड्रैग इवेंट्स को डायरेक्टली हम लोग क्लास ऐड करें तो चाहिए, तो आप अगर मल्टीपल यहाँ पर हो इस तरीके से, मैं एक और इधर डिव ऐड कर देता हूँ। ओके, इसका क्लास मैं इधर ट्रू कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर आके वो रिफ्रेश, आप देख सकते हैं दो अलग अलग डिव है, और यहाँ पर भी सेम मैं जैसे ड्रॉप कंटेनर को यहाँ पर दिया है वैसे मैं यहाँ पर जो ड्रैग कंटेनर है, ओके, उसको यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ। जो ड्रैग कंटेनर है उसके यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स दे रहे थे ताकि वो भी इस तरीके से साइड बाय साइड आ सके। ओके, ग्रेट, आप देख सकते हैं कि ये भी एक को ही लगेगा। ओके, अब ड्रैग तो ये हो रहा है पर इस पर आपको कोई इवेंट नहीं दिखेंगे, इस पर आपको अभी फ़िलहाल जो यहाँ पर जो इवेंट एडेड है ये पहले डिव को ही एडेड है, जैसे यहाँ पर हम लोग ने एक को ही ऐड किया था। ठीक है, तो ये क्लासेस जो है आप देखेंगे कि इसको ऐड यहाँ नहीं होगा। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, देख सकते हैं वो ग्रे हो रहा है, पर इसको कर रहा तो नहीं हो रहा बिकॉज ये जो इवेंट है वो पहले को ही लगा है, दूसरे को यहाँ पर नहीं लगा है। तो इसे भी हम लोग सेम वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हम लोग ने इधर किया है। तो सिंपली यहाँ पर क्वेरी सेलेक्टर ऑल यूज़ करते हैं और यहाँ पर ड्रैग डिव्स जो है यहाँ पर एरे डॉट फ्रॉम एरे डिव्स और यहाँ पर डॉट फॉर ईच होगा। ओके, यहाँ पर एरो फंक्शन दे देते हैं और ईच इंडिविजुअल पैरामीटर में यहाँ पर एरे ड्रैग डिव्स हमें मिलेंगी और इन पे हम लोग ये इवेंट्स इधर ऐड करते हैं। तो अभी दोनों पे ही वो इवेंट लिस्ट में इधर एडेड है। ठीक है, अब यहाँ के रिफ्रेश करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी प्रॉब्लम ये है कि ड्रैग डिव हम लोग इस तरीके से यहाँ पर नहीं कर सकते बिकॉज अब कोई एक डिव नहीं हो, मल्टीपल है, तो हम लोग को इवेंट ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा जिससे हम लोग जैसे यहाँ पर ड्रॉप के लिए ड्रॉपेबल्स के लिए कर रहे थे वैसे हम लोग को इधर भी करना पड़ेगा। बिकॉज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग यूज़ कर रहे थे बिकॉज वो एक ही डिव था, इसे डायरेक्टली हम लोग क्लासेस ऐड रिमूव कर सकते हैं। पर अभी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मल्टीपल डॉम है, मल्टीपल ड्रैगेबल्स है, तो हमें पता नहीं है कि कौन सा एट अ टाइम सेलेक्ट हो रहा है, तो वो हम लोग को सिर्फ इवेंट ऑब्जेक्ट से ही पता चलता है। तो यहाँ पर इवेंट डॉट टारगेट से हम लोग उसी को एक क्लास यहाँ पर ऐड करेंगे और जब ड्रैग एंड हो जाएगा तो उसी डॉम एलिमेंट से हम लोग यहाँ पर क्लासेस रिमूव भी कर देंगे। ठीक है, तो अभी फ्रेश आप देख सकते हैं कि आप वो सर देख सकते हैं प्रॉपर इफेक्ट यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ग्रेट, अभी हम लोगों को प्रॉपरली जितने भी इवेंट्स थे वो हम लोग ने अभी सेट कर दिया है, यू नो ड्रैगेबल्स के लिए और ड्रॉपेबल्स के लिए भी। अभी मुझे देखना है कि इसे ड्रैग करके हम लोग जब यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो कैसे हम लोग को ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो देखेंगे। तो सिंपली अभी यहाँ पर मैं ऐड कर रहा था इवेंट डॉट डेटा ट्रांसफ़र के, एक प्रॉपर्टी होती है इस पर, ओके, इक्वल टू इफेक्ट अलाउड, यहाँ पर मैं मूव इस तरीके से लिख देता हूँ। ओके, अभी यहाँ पर जो ड्रॉप हो रहा है यहाँ पर ये मुझे इवेंट डॉट डेटा ट्रांसफ़र टू ड्रॉप इफेक्ट इक्वल टू मूव इस तरीके से देना हो। ठीक है, तो अभी क्योंकि मैंने ड्रॉपेबल पे एक ही नाम दे दिया है, ड्रैगेबल और ड्रॉपेबल दोनों पे मैंने एक ही दे दिया, मैंने इफेक्ट अलाउड मूव है और ड्रॉप इफेक्ट मूव है, तो अभी यहाँ पर से जो ड्रैगेबल्स रहेंगे वो इसमें ऐड हो पाएंगे। ये इसलिए अलग अलग है, अगर आपको कभी कभार हमें ऐसा करना पड़ता है कि कुछ ड्रैगेबल्स कहीं ऐड होंगे और कुछ ड्रैगेबल्स कहीं ऐड नहीं हो सकते, वैसा रिस्ट्रिक्शन अगर आपको देना है तो ये आप अलग अलग दे दें, पर मुझे ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन यहाँ नहीं देना है। यहाँ पर कोई भी ड्रैगेबल किधर भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए मैंने दोनों को ही सेम दे दिया है, तो हर जगह पर वो होगा। ओके, ग्रेट, तो पहला हम लोग ये एक चीज़ कर लिए कि जहाँ पर हमने इफेक्ट अलाउड और ड्रॉप इफेक्ट दोनों सेम दे दिया है, इसलिए अभी कोई भी इशू इस तरह का हमें नहीं होना चाहिए। दूसरा, अभी हम लोग को बताना है कि इस ड्रैग से जहाँ पर से वो हो रहा है उसको हम लोग को यहाँ पर बताना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट ड्रैग हो रहा है। ठीक है, इंटीजर एचटीएमएल में यहाँ पर मैं एक डेटा एट्रीब्यूट ऐड करूँगा, डेटा डैश इमेज,
ओके, और उस क्लास का नाम दे देता हूँ यहाँ पर इमेज वन, ओके। और यहाँ पर मैं एक और एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ डेटा डैश इमेज, यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ इमेज वन, इमेज टू। अगर आपको पता नहीं है तो हम लोग एचटीएमएल में इस तरह से कस्टम एट्रीब्यूट दे सकते हैं, पर यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि डेटा डैश इस तरीके से होना चाहिए। कस्टम ये दे सकते हैं ड्रैगेबल, क्लास, ये सब रिजर्व्ड कीवर्ड है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कस्टमाइज कोई एट्रीब्यूट बनाना है तो आप डेटा डैश यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये इमेज जो है मैंने यहाँ पर दिया है, कुछ भी आप दे सकते थे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डेटा इमेज इमेज वन, डेटा इमेज, इसको इमेज टू दे दिया, ओके। सो आप अज्यूम किए रहेंगे अब यहाँ पर आपको दोनों ही डोमेन में हम लोगों को यहाँ पर वो इमेज वन और इमेज टू मिल जाएगा, ग्रेट। तो अभी यहाँ पर हम लोग इवेंट और टारगेट से हम लोग ये डेटा डैश इमेज वन ले लेंगे, ओके। और जैसे ही जहाँ पर वो ड्रॉप हो रहा है ना, उसको हम लोग ये क्लास दे देंगे इमेज वन, जिससे वो इधर से हट करके यहाँ पर वो ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, अब यहाँ से डेटा हम लोग इसको ट्रांसफ़र कैसे करें, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले वो इमेज का नाम ले लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लास नेम इस तरीके से ले लेता हूँ, यहाँ पर गेट एट्रीब्यूट, ओके। और गेट एट्रीब्यूट में यहाँ पर डेटा डैश इमेज इस तरीके से दे दूंगा, तो मुझे वो एट्रीब्यूट मिल जाएगा जो यहाँ पर चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अभी मैं इसको ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर यूज़ करूँगा इवेंट डॉट डेटा ट्रांसफ़र डॉट सेट डेटा, ओके। ये सेट डेटा मेथड का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, और सेट डेटा मेथड में यहाँ पर हम लोगों को पहला पैरामीटर में फॉर्मेट देना पड़ता है और दूसरे में एक्चुअल वैल्यू। तो ये फॉर्मेट अलग अलग तरीके से हो सकता है, टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल, टेक्स्ट स्लैश प्लेन, टेक्स्ट स्लैश लिस्ट यूआरएल, इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट है जो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे सिंपली टेक्स्ट स्लैश प्लेन, ये सिंपल एक क्लासेस मुझे पास करना है, तो यहाँ पर मैं दे दूँगा इस तरीके से प्लेन, और ये क्लास नेम जो है यहाँ पर मैं दे देता हूँ, राइट। तो अभी यहाँ पर हम लोग ने सेट कर दिया है कि इवेंट अगर डेटा हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो टेक्स्ट प्लेन फॉर्मेट है और ये उसका नाम, ओके। अभी ये पर अभी इसको रिसीव कैसे करें, हम लोग को यहाँ पर रिसीव भी करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्रॉपेबल जोन में यहाँ पर हम लोग ड्रैग एंटर और ड्रैग लीव देख रहे हैं, पर हम लोग अभी ड्रॉप हम लोग को डिटेक्ट करना है, राइट। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ड्रॉप डिव डॉट एड इवेंट लिस्टनर है ना, और यहाँ पर हम लोग ड्रॉप डिटेक्ट करेंगे जो एक कॉल बैक फंक्शन होगा, ओके, जिससे हम लोग को यहाँ पर इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा। और ड्रॉप जब भी होता है ना, तो ब्राउज़र का बाय डिफॉल्ट फीचर है कि कहीं ना कहीं रिडायरेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर सिंपली मैं इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपगेशन, जिससे वो रिडायरेक्ट वाला जो फीचर है वो नहीं होगा। और एक और चीज़ मुझे यहाँ करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पर ड्रॉप डिव डॉट एड इवेंट लिस्टनर, मुझे ड्रैग ओवर डिटेक्ट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि ड्रैग ओवर हम लोग नहीं डिटेक्ट कर रहे थे, इधर एंटर लीव डिटेक्ट कर रहे थे, पर ड्रैग ओवर जब वो एंटर करने के बाद उस पर ही होवर कर रहा है तब ये कॉल होता है, ओके। तो ये यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन हम लोग देते हैं, और इसमें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। और ये इवेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर उसको पैरामीटर से मिलेगा। तो यहाँ पर ड्रैग ओवर में इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट अगर कॉल नहीं करोगे तो आपको ये ड्रॉप इवेंट डिटेक्ट नहीं हो, ओके। सो ये फीचर बना हुआ है, अगर आप ड्रैग ओवर में इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट नहीं करते हैं तो ड्रॉप डिटेक्ट ही नहीं होता, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है कि ड्रैग ओवर में इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट ऐड करें तो ड्रॉप डिटेक्ट हो पाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं सिंपली कंसोल डॉट लॉग करता हूँ ड्रॉप, इस तरीके से लिखता हूँ, राइट। और लेट सपोज पहले इसको हम लोग अनकमेंट कर देता हूँ, कमेंट करता हूँ, और फिर यहाँ पर आके रिफ्रेश, आप देख सकते हैं कि जैसे मैं ड्रॉप भी कर रहा हूँ तो ड्रॉप यहाँ पर कंसोल लॉग में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आके इसको कमेंट कर देता हूँ, अनकमेंट करता हूँ, और फिर यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं अभी जैसे ही मैं यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पर लीव कर दे रहा हूँ, अब जैसे ड्रॉप हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। राइट, सो अभी हम लोगों को अभी ये जो ट्रांसफ़र डेटा हो रहा है ये हम लोगों को एक्सेस करना है क्लास नेम, तो वो कैसे कर सकते हैं, वो सिंपली हम लोग इस पर भी आप यहाँ देखोगे कि इवेंट डॉट डेटा ट्रांसफ़र के यहाँ पर गेट डेटा करके मेथड है, बिकॉज हम लोग को यहाँ पर सेट डेटा मेथड है, तो ऐसे गेट डेटा भी है और उसमें हम लोग को सेम फॉर्मेट इधर देना पड़ेगा, राइट। और मैं यहाँ पर सेव करके यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको ड्रैग किया, आप देख सकते हैं इमेज टू इधर आया, मैं इसको ड्रैग करके ड्रॉप किया, आप देख सकते हैं इमेज वन आया। तो हम लोग सक्सेसफुली अभी जो यहाँ से डेटा, इस ड्रैगेबल से डेटा ड्रॉपेबल को यहाँ पर हम लोग ट्रांसफ़र कर पाए, और एक तो हम लोग को ये डेटा यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं भी इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ,
क्लास नेम। ओके अभी मुझे क्या करना है कि ये इवेंट डॉट टारगेट पे मैं इवेंट डॉट टारगेट ओके डॉट क्लास लिस्ट ऐड, और उसमें ये जो क्लास यहाँ मिल रहा है ये मैं सिंपली इसको क्लास नेम जो है यहाँ पर ऐड कर दूंगा, दैट्स इट। ओके सो अब यहाँ पर आने के बाद रिफ्रेश होगा, जैसे मैं ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप करूँगा आप देख सकते हैं कि वो इमेज इधर आ गया, और इसको ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप करूँगा आप देख सकते हैं वो इधर आ गया। ग्रेट, तो आप देख सकते हैं अभी हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप पूरे यहाँ पर फीचर इजीली चल रहा है। ओके राइट, और जैसे ये ड्रॉप हो जा रहा है मैं ये क्लास है उसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा बिकॉज उसको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ओके यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर देते हैं, आप देख सकते हैं अगर वो बॉर्डर यहाँ दिखाई दे रहा था एक बार ड्रॉप हो जाने के बाद यहाँ पर वो नहीं रहा। ओके अभी हम लोग को लेट्स सपोज ड्रॉप हो जाने के बाद यहाँ से अगर वो रिमूव कर देना है, यहाँ पर हम लोग को उसे नहीं रखना है, तो हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्रैग एंड करके जब हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं इस जो इवेंट ऑब्जेक्ट यहाँ मिल रहा है तो इवेंट डॉट टारगेट उसको रिमूव मेथड यहाँ कॉल करेंगे जिससे वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है यहाँ पर रिफ्रेश, मैं इसको ड्रैग करके इधर ऐड कर दूंगा आप देख सकते हैं वहाँ से रिमूव हो गया, मैं ड्रैग करके इधर ड्रॉप करूँगा आप देख सकते हैं वो रिमूव हो गया। तो अभी ड्रैगेबल्स सारे रिमूव हो गए, अब यहाँ पर सिर्फ ड्रॉपेबल्स बचे हैं। ओके ऑलराइट गाइस, ये वीडियो में बस इतना ही, हम लोग यहाँ पर काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर सीख लिए हैं कि ड्रैग एंड ड्रॉप में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और कैसे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट मैंने दिया हुआ है ये आप खुद से बनाने को ट्राई करें। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो ये जो प्रोजेक्ट यहाँ दिख रहा है ये हम लोग फ्रॉम स्क्रैच से बनाएंगे। ऑलराइट, पर आपको ऑलरेडी सारे टूल्स पता है जिससे आप ये फीचर यहाँ पर बना सकते हैं। ओके सो ये वीडियो बस इतना ही, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय गाइस।